जीतना है। अच्छा शॉट खेला है, यह भी एक तरीका है दबाव डालने का गेंदबाज के ऊपर। पहली बाउंड्री से निकल आपने उनके कान में कुछ लगा रखा है, क्योंकि पिछले मैच में भी आपने इस तरह की मांग की थी और उन्होंने अंदर की तरफ बॉल डाली थी, इस बार भी ऐसा ही कुछ हुआ। रिव्यू बरकरार है, आइया बरकरार रह नहीं पाएंगे क्रीज के ऊपर, 7-1 अब जिम्बाब्वे। लेकिन वो चीज दिखती है इस बार, देखिए फिर से वही लाइन लेग स्टंप के ऊपर, जिसका कि फायदा उठाया विलियम्स ने। क्या शॉट खेला है भाई, टाइमिंग पे ध्यान दीजिएगा जरा। बाउंड्री मिलेगी, बहुत ज्यादा समय था यहां विलियम्स के पास। एक और बाउंड्री मिलेगी, हाथ धोके पीछे पड़ गए दीपक चाहर के, मिस इट, लेकिन भाग्य ने साथ दिया, बड़ा हिट लग गया भाई। बैक का ऊपरी हिस्सा लगा था और बाउंड्रीज उतनी बड़ी नहीं है, बाउंड्री के पार गई, लेकिन कायतानो की हालत ये होगी कि उन्हें भी बाउंड्री के पार जाना पड़ा। तो मेरे ख्याल से सही फैसला भी है, क्योंकि अगर आपको क्रैम्प्स आ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, तो मसल फटने का एक चांस बन सकता है, इस वजह से वो बाहर ही चले गए। और आपने सही कहा कि पूरी तरह से फिट होकर फिर बैटिंग करने आए। फिर उसी तरह का शॉट ऑफ स्टंप के बाहर से कहां लपेट के लॉन्ग ऑन की तरफ मार दिया आपने। बढ़िया बल्लेबाज है विलियम्स, इस तरह के शॉट आज खेलेगी जिम्बाब्वे, ये बात है। बढ़िया शॉट, बेहतरीन एक्स्ट्रा कवर ड्राइव, बिल्कुल सामने है। हम कह ही रहे थे अक्सर के पास ये हुनर है कि वो अक्सर ऐसा कुछ कर दिखाते हैं। ये गेंद जो है थोड़ा सा आगे भी खेला जा सकता था, और जब गेंद पैड पे लगी तो बिल्कुल आप स्टंप्स के सामने खड़े हैं, समझदारी दिखाई है आपने। 45 रन बनाए शॉन विलियम्स ने। ओ मिस इट, और केएल राहुल वहीं पे मौजूद हैं, विकेट मिली आवेश खान को। गेंद में कुछ ऐसा नहीं था, और थोड़ी समझदारी ये भी दिखानी चाहिए थी कि अभी अभी दूसरी तरफ जो सेट बल्लेबाज विलियम्स है वो आउट होके गए। 84-3 मुनियोंगा ने बनाए 15। अच्छा शॉट खेला, ये गेंद बाउंड्री तक भी पहुंचेगी। मुश्किल टारगेट लग रहा है, क्योंकि बल्लेबाज इतने फॉर्म में है नहीं इनके, और स्विप मारा इस बार, कामयाबी मिली, चार मिलेंगे यहाँ। शॉट गेंद फुल के फील्डर पीछे होना चाहिए, पर गैप में गेंद है यहाँ, चार मिलेंगे। और ये दूसरी विकेट अक्षर पटेल के लिए, पता ही नहीं चला, पता है कि अगर रन बनाने हैं इस ये जो टारगेट दिया गया इसको चेस करना है तो तेजी से रन बनाने होंगे, लेकिन पहले देख लिया तो बैट्समैन को आते हुए बॉल को थोड़ा सा शॉर्ट रखा था, आउट हुए 16 रन बनाकर 120/4 जिम्बाब्वे। बहुत अच्छी बॉलिंग की है कुलदीप यादव ने, वो जो एफर्ट लगा रहे हैं वो पता चलता है उनका बॉलिंग में, और यहाँ पर एक स्टंपिंग की अपील। There's a clear gap between ball and bat. Can we go to the side point angle for the stumping, please? Satisfied. Out. बिल्कुल. बॉल पर के बाहर गई और क्लीन स्टंपिंग किया आशान किशन ने। 122 से पाया जिम्बाब्वे। ओह ये लाजवाब शॉट है यहाँ पर सिकंदर रजा का। दीपक चाहर छोटी गेंद डाल दी, तैयार थे, जबरदस्त छक्का लगाया यहाँ पर। क्या बढ़िया खूबसूरत शॉट मारा, 88 मीटर का लंबा छक्का, इस बार बाहर निकले और कैच पकड़ लिया यहाँ पर शिखर धवन ने। स्टेप आउट भी किया, संपर्क भी था कि उतनी उछाल ले रही गेंद उसको, वजह से शिखर धवन के हाथ में जाके गेंद गिरी। नाकुश अपने आप से रैन बर्ड 8 रन बना के आउट हुए 145 पीछे। एक और शॉट पिछले यहाँ पर चौंकी बल्लेबाज, पुल मारा वहां पर, बहुत जल्दी पिक किया, इस बार भी अपर कट लगाया है। क्या वो खिलाड़ी वहां मौजूद है, नहीं रोक नहीं पाएंगे, क्या ये चौका है कि छक्का, इंतजार करना होगा, 6 का इशारा यहां पर। ये बढ़िया गेंद, उतना ही बढ़िया कैच, काफी मेहनत के बाद कुलदीप यादव ने जांबे को अपने जाल में फंसाया, बारी किनारा समझ नहीं पाए, और शुभमन गिल थे मौजूद स्लिप पर, बहुत ही अच्छा कैच पकड़ा। ल्यूक चोंगवे 14 रन बनाकर वापस 169/7 सिंगल के साथ 50 पूरे करेंगे। सिकंदर रजा ओवर थ्रो भी मिल गया, एक अतिरिक्त रन और पहुंच गया 51 पे। अब बल्ला उठाया सिकंदर रजा जी 51 पर पहुंचते हुए, बहुत अच्छा मारते हैं पर करेक्शन हुआ नहीं ठीक से। ओ अरे जबरदस्त करेक्शन है, महंगा ओवर, बाउंसर पे फायदा मिला नहीं आज शार्दुल ठाकुर को, रन्स पे रन्स गए। सामने ड्राइव मारी,
कहा है फील्डर, हो चार मिल गए। ये और ब्रैड इवेंस भी अपना, ओ हो, ये मुंबई भाषा में कहते हैं ढींगा, चार रन। और इस बार जबरदस्त स्ट्रोक खेल दिया, स्क्वायर ऑफ द विकेट। अच्छा शॉट, ये इनसाइड आउट शॉट, कवर के ऊपर से छह रन है कि चौका छक्का। और ये कमाल की शुरुआत है इस ओवर की, दीपक चहर की पहले ही गेंद पर ये छक्का जड़ दिया सिकंदर अजहर ने। और ये शॉट लगाया और ठाक पड़े, जबरदस्त पारी, एक और शतक, तीसरा शतक यहाँ पर एक दिवसीय क्रिकेट में पिछले छह मैचेस में। अद्भुत पारी रही है सिकंदर अजहर की, जितनी भी तारीफ की जाए कम है, बहुत ही मेच्योरिटी के साथ पूरे अनुभव को के साथ ये पारी खेली है यहाँ पर सिकंदर अजहर ने। ये अच्छा शॉट है, ओहो कमाल का शॉट, ये चार रन मिलने चाहिए और मिले भी। और बल्लेबाज का अनुपाने फिर से सिकंदर अजहर, तो क्या दम दिखाया है इस जोड़ी ने, इस बार जोरदार अपील, आउट होना चाहिए और आउट दिया, और सीधा डीआरएस के लिए बोल दिया है ब्रैड इवेंस ने। ब्रैड इवेंस ने बहुमूल्य 28 रन बनाए अपनी टीम के लिए 273/8। गिरे गति से लगी हुई बॉल और ये बेहतरीन कैच, गिल ये वो विकेट है, टाइम नहीं कर पाया, बैट के निचले हिस्से में लगी और बहुत बढ़िया बढ़िया कैचेस पकड़ते हुए देखा है गिल को। सिकंदर अजहर ने बेहतरीन पारी खेली, बनाया 115 रन, आउट होकर वापस आवेश राहुल के सामने नहीं आउट। अच्छी डिलीवरी, बोल कर दिया यहाँ पर, यॉर्कर लेंथ डाली, यॉर्कर डिलीवरी डाली और इसी तरह से ये 10 विकेट गिरा जिम्बाब्वे का। कमाल का मैच हुआ पर अंत में भारत ने यह मुकाबला जीत लिया है और यह श्रृंखला 3-0 से जीत ली है। तीसरा मुकाबला था, जिम्बाब्वे ने फाइट बैक जरूर किया पर अंत में 13 रन से दूर रह गए जिम्बाब्वे। और इसी के साथ जी एक और चमकती सी प्यारी सी ट्रॉफी आई भारत की किटी में। सब्सक्राइब नाउ टू एंजॉय स्पोर्ट्स फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड।